गहलोत जी को कोई नहीं सरका सकता, 150 सीटें प्लस सीटें आ रही है। बाल मुकुंदाचार्य जी आए हैं, वो अभी खाली एक दो महीने में एक्टिव हुए हैं। बिल्कुल, भाजपा ही आएगी क्योंकि वो लड़कियों के लिए पढ़ाई में भी है और सुरक्षा में भी है। राजस्थान में कांग्रेस है, इसमें सिर्फ रेप में ही अव्वल आता है। 25 नवम्बर 2023 होने वाले राजस्थान के चुनावों को लेकर इस वक्त बड़ी जोरों शोरों से मशक्कत जारी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और आने वाले आगामी चुनावों को लेकर भारी जोश बना हुआ है। जनता जनार्दन इस बार क्या कहती है, कैसी सरकार चुनना चाहती है, आइए जानते हैं जनता जनार्दन से। द नगरी न्यूज की टीम से मैं राहुल कैमरामैन रमाकांत के साथ पहुंच चुके हैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर दो प्रत्याशियों को टिकट दी गई है। कांग्रेस से दी गई है आर आर तिवाड़ी और बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी से खड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं जनता से कि उनके इस बार क्या विचार हैं और कैसी गवर्नमेंट वो चुनना पसंद करते हैं और वो आने वाली गवर्नमेंट से किन पांच बड़े कामों की उम्मीद करते हैं। सर क्या नाम है आप? सर मेरा नाम आशीष बैराठी है। सर 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, राजस्थान 2023 के 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस गवर्नमेंट को इस बार चुनना पसंद करेंगे आप? देखिए सर, इस बार जो मतदाता का मन है, पहले तो मतदाता का मन था कि 5 साल बीजेपी राज करे, 5 साल कांग्रेस राज करे, लेकिन इस जो अभी 6 महीने के अंदर जो गहलोत गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं, तो इसलिए मतदाता का मन बदला है। तो वो हो सकता है कि इस गवर्नमेंट को रिपीट भी कर दे, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो कांटे का है। इस बार मतलब कैंडिडेट के समर्थन में है, जिस कैंडिडेट ने अच्छा काम किया है इस बार, है ना, लोग बाग उसी को चुनना चाहेंगे। जी, आपके हवा महल विधानसभा क्षेत्र से दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, बीजेपी से बाल मुकुंद आचार्य और कांग्रेस से आर आर तिवाड़ी, तो इन दोनों के अंदर कैसी टक्कर देखते हैं आप? सर इन दोनों में वैसे तो कांटे की टक्कर लग रही है, क्योंकि बाल मुकुंदाचार्य जी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और जो तिवाड़ी जी हैं वो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने 70 साल दिए राजनीति में, तो उनके साथ में कुछ बीजेपी समर्थक भी साथ लग रहे हैं क्योंकि उनका व्यवहार और उनकी छवि अच्छी है। और जो बाल मुकुंदाचार्य जी आए हैं वो अभी खाली एक दो महीने में ही एक्टिव हुए हैं और वो आतोज के हैं। इस चक्कर में अभी कुछ कह नहीं सकते कि दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि कांटे का मुकाबला चल रहा है। इसी गवर्नमेंट किसी की भी आए, आप आने वाली गवर्नमेंट से ऐसे कौन से पांच बड़े काम हैं जिनकी उम्मीद करते हैं कि वो जनता के लिए हो और इस हवा महल विधानसभा क्षेत्र का विकास हो? देखिए सर, पांच काम तो क्या है, ऐसे तो कई काम है। जैसे पहला काम तो है बेरोजगारी को दूर करना। भाई अभी दोनों गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल में मोदी जी गवर्नमेंट है और राजस्थान में जैसे गहलोत गवर्नमेंट है, दोनों के समय में महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी जो सत्ता में आई थी सेंट्रल में, वो महंगाई के मुद्दे को लेकर आई थी, लेकिन वो बीजेपी महंगाई के मुद्दे में भी कुछ नहीं बोल रही। बस दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रही है कि वो सस्ता करे और वो सस्ता करे, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी हवा महल विधानसभा क्षेत्र में जैसे सीवरेज लाइन है, नालियां हैं, बेरोजगारी है, कई समस्या है जनताओं के, मतलब जो जनता के छोटे छोटे मुद्दे उठाएगा इस बार उसी को वोट होगा, क्योंकि काम के नाम पर वोट होगा इस बार। इस बार धर्म राजनीति के नाम पर वोट नहीं होगा। सर क्या नाम है आप? मोहम्मद जाकिर हुसैन। आगामी 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं, 25 नवंबर को जो वोटिंग डलने वाली है, तो अब हवा महल विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट इस बार वापस से आने वाली है? रिपीट होगी साहब कांग्रेस। इसने अच्छे योजना शुरू करी है, गरीबों के लिए करिए, 25,000 रुपये का 25 लाख का चिरंजीव जी बनाया, वो गरीब के लिए बहुत बढ़िया है। 100 यूनिट फ्री दिए गहलोत जी ने, वो भी बढ़िया है। राहत कैंप बनाया, वो भी बढ़िया बनाया गरीबों के लिए। सब काम बढ़िया काम कर रहे हैं। गहलोत जी को कोई नहीं सरका सकता, 150 सीटें प्लस सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं सर आप, तो चलिए मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन सर आने वाली जो गवर्नमेंट आप चुन रही हैं, जनता जनार्दन है, जनता अपनी गवर्नमेंट चुनती है, और आप कह रहे हैं कि गहलोत जी को कोई नहीं हटा सकता, बहुत बढ़िया बात है, आपने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट रिपीट होगी, तो उनसे आप कौन से पांच बड़े कामों की उम्मीद करते हैं कि वो इस नेक्स्ट गवर्नमेंट में होने वाले हैं? 7 काम इन्होंने घोषणा पत्र करा है, जो वादा करा वो वादा पूरा करेंगे। 500 रुपये का सरेंडर है गवर्नमेंट ने देगी बैठते के साथ ही, जनता की नहीं, बहुत फायदेमंद चाहिए। गरीबों का चूल्हा सीधा होगा, जहाँ 1200 रुपये का सिलेंडर आ रहा है उससे 500 रुपये के सिलेंडर में घर के बहुत फर्क पड़ेगा इससे। चलिए बहुत फर्क पड़ता है तो, लेकिन इस हवा महल क्षेत्र में कौन से 5 काम है जो आप करवाना चाहते हैं? साहब काम तो सारे सरकार ने पूरे करें, वादे पूरे करें, ये सरकार रिपीट अब कैसे रिकॉर्ड बनेगा एक तरीके का। बीजेपी में कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अफवाहें जुमलेबाजी है बस इसके अंदर। सर बीजेपी की गवर्नमेंट से आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? खुश नहीं है, इनकी आपस की फूट ने खा रखा है। हमारी मैडम को, सीएम जी को, इन्होंने बेड़ा गलत कर दिया।
चेहरा इतना बढ़िया था, मोदी जी चाहते हैं अपने चुनाव पर लड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ कहीं नहीं है। जहाँ जहाँ अपना चेहरा लिया वहाँ से हारे हैं मोदी जी। जी बताएं क्या नाम है आप? जी मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। तो मीनाक्षी आप बताएं कि इस बार किस गवर्नमेंट को आप देखना चाहेंगी? भाजपा को। भाजपा को आप देखना चाहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो भाजपा है वो सबसे बेस्ट ही है, क्योंकि अभी योगी जी है यूपी में है, अगर उनका जो शासन देखा जाता है वो हर एक प्रजा के लिए सब कुछ सही करते हैं। अब जैसे कि मोमडन है या फिर मुसलमान है, और जो लड़कियों का जो चल रहा है कि ये जो अभी लव जिहाद का चला था, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए उनको लड़कियों को सुरक्षित भी किया जा रहा है और सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस है, इसमें सिर्फ रेप में ही अव्वल आता है, या तो रेप होते हैं या फिर दारू में या शराब में, इन चीज़ में अव्वल आ रहा है नंबर वन पर, और चीज़ें इनसे हो नहीं रही है। और अगर पूछा जाता है इनसे सांसद में या कहीं भी कि इसका जवाब क्या है, तो अशोक गहलोत हैं जो बस यही बोलते हैं कि अगर मर्दों का है ये जो राज्य है राजस्थान, वो मर्दों का है इसलिए रेप में अव्वल आता है। अगर यही बात है, या तो अगर इन्होंने रेप करा है तो ये मर्द हुए, और अगर नहीं करा तो मतलब ये नामर्द हुए, वही चीज़ है। लेकिन ये चीज़ नहीं देख रहे कि अपनी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, ऐसा कुछ है नहीं उनमें, तो वो चीज़ है ना। तो इन मुद्दों को देखते हुए आपने भाजपा को चुना है कि भाजपा आएगी इस बार भी? जी बिल्कुल, भाजपा ही आएगी, क्योंकि वो लड़कियों के लिए पढ़ाई में भी है और सुरक्षा में भी है, सारी चीज़ में, शिक्षा में है, चिकित्सालय में है, हर चीज़ में आगे है बिल्कुल, कि कांग्रेस से कुछ होने वाला है नहीं, बस वो चीज़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार व्यक्त किए। तो ये थे जनता के विचार हवा महल विधानसभा क्षेत्र से, और जनता ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, बताए हैं कि वो किस गवर्नमेंट को चुनने वाली है और किन पांच बड़े कामों की वो आने वाली गवर्नमेंट से उम्मीद करने वाली है। अगले नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए द नगरी न्यूज के साथ, मैं राहुल कैमरामैन रमाकांत के साथ।